अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरीदास किचन। आज मैं आपको चिकन फ्राई करने की रेसिपी बताऊंगी। चिकन फ्राई करने के लिए हमें 1 केजी चिकन, जिसे मैंने धो के साफ करके रखा है, दही 1 कटोरा, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और 1 कॉर्नफ्लावर मैंने 3 चम्मच लिया है और 1 नींबू का रस। अब इसे हम मिलाएंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्ची, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, दही, नींबू। नमक स्वाद अनुसार, कॉर्नफ्लावर का पाउडर जो रखे थे उसपे भी वो भी ऐड कर देंगे। हाथ से मिलाएंगे इसे, चम्मच से नहीं, चम्मच से ठीक से मिलाई नहीं होएगा। हमें इसमें गोश्त में अच्छा से मसाला पकड़ना है। अब मसाला मिला दें, इसे आधा घंटा रखेंगे फ्रिज में या बाहर में कहीं भी। आधा घंटा रखने के बाद फिर उसे हम फ्राई करेंगे। हम चिकन ने मसाला मिला के आधा घंटा हो गया, अब इसे हम फ्राई में चढ़ाएंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, आप मांगता तो दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर चिकन डालें, फ्लेम जोर में रखें। तेल गर्म हो गया, अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। फ्राई हो गया है, इसे हम पलटी करेंगे। इसी तरह लाल लाल दूसरे से भी इसी तरह लाल होगा। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। अब चिकन हमारा लगभग फ्राई हो गया, दोनों साइड लाल हो गया है। मैंने टमाटो सॉस डाला 1 चम्मच, 1 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच गरम मसाला, सबको अच्छा से मिलाएंगे। अब प्याज थोड़ा ऐड करेंगे, धनिया पत्ती, चिकन हमारा खाने के लिए तैयार है। ये दोनों साइड से अच्छे से ला लेंगे और इसे हम ऑफ कर देंगे। अब हमारा चिकन बन के तैयार है, आप इसे बनाइए और खाइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।